हाय, आई एम डॉक्टर नवीश, फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। सो हमारे साथ हमारे एक और नए पेशेंट हैं जिन्होंने टिबियल लेंथनिंग चूज किया है विद द हेल्प ऑफ एलिजारो फ्रेम। तो आइए जानते हैं इनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है टीम के साथ में। इनका अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ कम्प्लीट हो चुका है। सो इनकी जो लेंथनिंग है 2 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इनके अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है, मैं गुजरात से हूँ। तो मेरी नेशनल हाइट 5'5" था। तो मुझे ऐसे ही दिल में था भी मुझे हाइट बढ़ाना, तो मैं ऐसे ही एक दिन सर्च किया था यूट्यूब पे, तो इनको वीडियो सामने आ गया, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो मैं इनके पास आ गया। तो मेरी का टारगेट क्या है, कितनी आपको हाइट इंक्रीज करानी है? 2 इंच प्लस। सो आपने कहां-कहां रिसर्च किया था हाइट इंक्रीज कराने के लिए? कैसे आपको हाइट इंक्रीज इन्फो टीम को लगा के मुझे इन्हीं के साथ में हाइट इंक्रीज करानी है? मैंने आपको पहले बताया कि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो आपकी वीडियो सामने आई थी, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो उसके बाद मैं आपके पास आ गया बस। तो अभी आपको 1 मंथ हो चुका है, आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल के बाद का एक्सपीरियंस या रिहैब सेंटर में कैसा रहा है? वो बढ़िया, सारे हेल्पफुल, आपने सारे हेल्प कर दिया, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी फ्रेम के साथ में आपका कैसा कहेंगे कि फ्रेम के साथ में डिस्कम्फर्ट है या स्लीपिंग पैटर्न आपका कैसा है? पेन तो नहीं होता, लेकिन सोने में तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। जैसे आप देख सकते हैं इनको ऊपर में हाफ रिंग लगी हुई है, अभी सब पेशेंट को यही हम मॉडिफाइड फ्रेम लगा रहे हैं। सो इसका कुछ फायदा आप बताना चाहें कि इसका क्या बेनिफिट है? इसका थोड़ा लेग ज्यादा क्लोज हो जाती है, मतलब आपका पूरा मूवमेंट आप कर सकते हैं इसके अंदर। सो आपका रिहैब सेंटर में डेली रूटीन कैसा रहता है? सुबह मॉर्निंग उठने के बाद पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिजियो होता है, फिजियो स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद लंच टाइम, उसके बाद फिर एक बार फिजियो होता है, और हम नीचे जिम में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कसरत करते हैं, और रात को डिनर के बाद दोस्तों के साथ बातें, ऐसे दिन निकल जाता है। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे और भी पेशेंट है, साथ में बैठ के बातचीत कर लेते हैं, आपके रूम में भी जो पेशेंट है उससे भी आप बातचीत करते हैं? बहुत बढ़िया, सारे बढ़िया, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सजेशन दूसरों के लिए जो सर्च कर रहे हैं हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी के लिए, आपका सजेशन? मैं तो ये बोलूंगा भी आप फुल सर्च करके आए, अपना माइंड सेट करके आए, अगर जो आपको करवानी है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, ये नहीं है कि कोई 1-2 मंथ की बात है, तो आप सोच समझ के करवाएं। मतलब और सर्जरी से, कॉस्मेटिक सर्जरी से बिल्कुल डिफरेंट सर्जरी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पेशेंस का और टाइम का वो आपको लेके आना भी पड़ेगा। बिल्कुल। शायद हमारे पेशेंट का एक्सपीरियंस अभी तक का, नेक्स्ट वीडियो जब इनका फ्रेम रिमूव हो जाएगा तो हम पोस्ट करेंगे। रिगार्डिंग लिम लेंथनिंग और लिम रिकंस्ट्रक्शन की जानकारी के लिए हमारे गिवन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।